हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 10 नवंबर है आज, प्रो राइडर 1000 यानी अगस्त चौहान का बर्थडे है। तो ये कुछ आखिरी पल थे जो हम लोगों ने उसके साथ गुजारे थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कभी अपलोड करूँगा। तो आज उसका बर्थडे है तो सोचा मैंने इसको अपलोड किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। काफ़ी चाहने वाले अगस्त के, याद आती है उसकी काफ़ी, मतलब अक्सर जहन में वही रहता है जब जब नई वाली 10R को देखता हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हमने आखिरी राइड करी थी उसके साथ, तो ये अभी तक कहीं नहीं डाला मैंने, कहीं अपलोड नहीं किया, आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए आप। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है ट्यूसडे, आपको लगा होगा संडे, नहीं संडे नहीं, आज ट्यूसडे है। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पर, और आज का जो लाइनअप है आज तक आपने कभी किसी व्लॉग में नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो बहुत कम देखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई S1000RR 3 है हमारे साथ, जिसके अंदर एक है प्रो एम और दो है 10R। और कौन कौन है हमारे साथ भाई, मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे सूरज भाई लखनऊ से, मचाओगे हाईवे पे। ये हमारे कोलकाता से हिराक भाई, इनका चैनल है राइडर हिराक करके, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। और इनकी जो बाइक है ये इंडिया की पहली S1000RR प्रो एम है। और ये हमारे साथ आमिर भाई। हाँ भाई, इतना लेट कैसे हो गए भाई? वो है कोई बिहाइंड द सीन, कल बताएंगे। और ये प्रो राइडर 1000 और ये अगस्ता की 10R। और इन सब में जो सबसे खूबसूरत हमारी धन्नो मैक्स। और एक बार भाई हमारे रह चुके हैं, उनसे मिलवा देते हैं, हमारे शेख बॉय जाहिर फ्रॉम कोलकाता। तो आज ना पूरा कोलकाता, जम्मू, देहरादून हो रखा है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी कोलकाता की है। रईस ही देख रहे हो उस ग्रुप में कितनी सारी है भाई, अब बस हम ही हैं भाई पुराने, जो तीन ऑलमोस्ट अब 4 साल होने वाले 10R को घिस रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ना नई बाइक ले लो, बाइक स्विच कर लो। तो भाई मेरा इतना बजट नहीं है, और अगर इतना ही होता तो मैं 10R को किसको भी नहीं लेता, 5 साल की EMI बनवाई है। तो इंशाल्लाह जब मेरे पास पैसा होगा, जब भी होगा, तो तब बाइक ज़रूर स्विच करूंगा। बाकी तब तक देखो इसी को चला रहे, कंटेंट बना रहे, आप लोगों को पसंद आ रहा है, बस आप लोग ऐसे प्यार करते रहो। तो आज का जो सीन है, हम लोग जा रहे हैं जेवर। और तो भाई एक बार ये लाइनअप देखो, S1000RR मैक्स, एक और S1000RR प्रो एम सबसे महंगी वाली, 10R नई वाली, और एक और S1000RR। तो लाइनअप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रेजी है। तो भाई राइड स्टार्ट हो चुकी है हमारी। भाई पहुंच गए हम लोग जेवर। तो भाई अपन लोग पहुंच गए जेवर। इधर हमारी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, लाइनअप देख लो कितना क्रेजी हो रखा है भाई। और ये हमारे सारे राइडर्स, खाना पीना हो चुका है। था जेट से रेस लगा रहा था ऊपर ही। और व्यूअर्स को बता दो, अभी जाने का प्लान है मार्स में, ये बाइक से ना प्लूटो जा रहा है, प्लूटो, क्योंकि अगर इन रोडों पे 1000 450 लेके निकलेंगे तो मार्स पे ही मिलोगे भाई, उससे पहले चलो भाई। ए जाहिर, ओए ओए, यूटर्न का बोलियो, हाँ इसको बोलिए, टोल काटेगा ना यूटर्न का। और वो सुन सुन क्या बोल रहा है भाई, मैं हाँ यहाँ से, नहीं आगे नहीं है, यूटर्न के लिए यहाँ से वो गेट खुलेगा, वहां से जाके जो पर्ची देगी उधर देनी पड़ती है। अच्छा, हम लोग उधर जाएंगे ना? हाँ हमें वहां जाना है, उस गेट से उधर जाना है। वो गेट दिख रहा है, वो जहाँ वो गाड़ी रुकी है, है? यूटर्न वहां से है, वहां से पर्ची देना पड़ेगा भाई।
हाँ पर्ची लेना पड़ेगा यूटर्न के लिए। तो भाई अपन लोग यहाँ से ले रहे हैं यूटर्न घर के लिए। तो अगर आप तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग राइट पर गए थे और हम लोगों ने डीएनडी से राइट स्टार्ट करी थी, पूरा राइट करते हुए गए। उसके बाद जेवर पे हम लोगों ने साथ में खाना खाया, वहां पे थोड़ी मस्ती वस्ती कर रहे थे। हम लोग जोक कर रहे थे कि 1000 की स्पीड 500 की स्पीड ये वो फलाना ठिकाना, देखो लड़के ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो टोल आया था वहां से हम लोगों ने यूटर्न ले लिया। बाकी तो आप सभी को पता है वो आमिर और अगस्त्य आगे चले गए थे। काफी अफसोस की बात है यार, वो अब नहीं रहा भाई। उसकी याद आती है अभी भी, काफी शरीफ भोला और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ। उसके उस टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, और लोग उसे मिलता था, मैंने उसे मिलते हुए देखा है भाई, बहुत अच्छे से मिलते था, मतलब उसमें जीरो ईगो था, जीरो। काफी दुखद था हम सबके लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके दोस्तों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि मतलब जब वो सीन हुआ उससे थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ था, तो मैं बता नहीं सकता हम लोगों पे क्या बीती थी। बहुत बुरा लगा था, मैं तो कई हफ्तों तक बाइक नहीं चला पाया था और काफी हफ्तों तक मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था। ये समझ लिया हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है लास्ट राइड जो हमने अगस्त के साथ की थी। कमेंट्स में जरूर लिखना RIP, और भाई उसके लिए दुआ जरूर करना भाई प्लीज। मैं बस यही चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो खुश हो बस। और आप लोग से भी भाई रिक्वेस्ट करता हूँ उसके लिए प्रे करो, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रे तो कर सकते हैं।